पत्थर यहाँ पे देखते हो जो पानी के अंदर था वो पूरा कड़ा है और एकदम बढ़िया केला है। लेकिन और गाइस आज की इस वीडियो में हमारे पास यहाँ पे दो गिलास हैं और यहाँ पे हमारे पास है एक कच्चा हुआ केला और एक यहाँ पे पका केला, दोनों केले हैं। उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे मीठा सोडा। अब सिंपली हम क्या करेंगे, आज का जो एक्सपेरिमेंट होने वाला है बहुत ज्यादा यूनिक होने वाला है। क्या रिएक्शन आएगा हमको नहीं पता, बट यहाँ पे देखना अभी यहाँ पे क्या रिएक्शन आने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे दो दो चम्मच हम इसको अंदर डालेंगे, देख सकते हो दो दो चम्मच हमने इसको डाला। उसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर भी डाल देते हैं, देख सकते हो दो चम्मच हमने इसको डाल दिया गाइस। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंदर हम पानी डालेंगे और गाइस इसके अंदर हम पानी डालते हैं पहले। यहाँ पे हमने गाइस पानी डाल दिया है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो इसको रख दिया हमने यहाँ पे केले को और उसके साथ साथ हमने इसको रख दिया। तो हमने इन दोनों को यहाँ पे डाल के रखा है। अब 24 घंटे के लिए हम यहाँ पे फिर से देखेंगे कि क्या 24 घंटे तक में इसका क्या रिएक्शन निकल के आता है, क्या ये मीठे सोडे वाला जो पानी है ये केले को ज्यादातर इफेक्ट देता है या फिर नहीं देता, क्या रिएक्शन निकल के आता है ये देखेंगे। तो अगले 24 घंटे के लिए हम ऐसे सेम जगह पर इसको रख देंगे, देखते हैं यहाँ पे क्या निकल के आता है। हाँ तो गाइस पूरे 24 घंटे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। बेकिंग सोडा के अंदर हमने ये दोनों केले को डाला था, देख सकते हो कि ऊपर का गाइस देखो यहाँ पे इतना पानी के अंदर है और पानी के बाहर का यहाँ पे देख सकते हो पूरा खराब होने लग गया है। लेकिन अभी पानी के अंदर हम आपको दिखाते हैं, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कुछ भी नहीं हुआ। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो अभी यहाँ पे एकदम बढ़िया केला भी अंदर है, लेकिन यहाँ पे उसके साथ साथ हमने ये केला को भी लाया था, देख सकते हो एकदम, लेकिन ये थोड़ी खराब होने लग गया है। लेकिन ये केला अभी भी खराब नहीं हुआ है, हमने बेकिंग सोडा के अंदर लाया था। अब उसके साथ साथ यहाँ पे कच्चे वाले केले भी हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, ये पूरा इसी तरह का है और जो है कुछ एक भी खराब नहीं हुआ। अगर हम इसको काट करके दिखाएं आपको गाइस तो ये भी दिखाते हैं, देखो तो सिंपल यहाँ पे गाइस देख सकते हो, अगर इसको यहाँ पे काटें तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो एक भी खराब नहीं हुआ। गाइस यहाँ पे देख सकते हो पूरा उसी का उसी तरह है, एक भी जो है तो खराब नहीं हुआ है। उसके साथ साथ अगर हम इसको भी यहाँ पे कट करें तो गाइस यहाँ पे देखो ये यहाँ पे देख सकते हो, ये यहाँ पे बेकिंग सोडा पानी के बाहर था और बाहर का देख सकते हो गाइस यहाँ पे पूरा खराब हो चुका है। गाइस यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है, बहुत ज़्यादा खराब। और इधर यहाँ पे देखते हो जो पानी के अंदर था वो पूरा कड़ा है और एकदम बढ़िया केला है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे देखते हो ये बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है जो कि पानी के बाहर था। गाइस तो देख सकते हो यहाँ पे कितना डिफरेंट है, हमने पानी के अंदर रखा था, बेकिंग सोडा के अंदर रखा था यहाँ पे, और देख सकते हो 24 घंटे हमने वेट किया, 24 घंटे के बाद क्या रिएक्शन निकल गया है। तो गाइस देखो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, क्योंकि यहाँ पे ऐसे एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।